एक और फ्राइडे और एक और डिसअपॉइंटिंग रिलीज। ऐसी जब मूवीज आती हैं तो यू ऑनली एंड अप थिंकिंग किसने कॉन्सेप्चुलाइज करी, कहाँ से आई, किसने स्टोरी लिखी, कैसे लोग राजी हुए। आई नो ऑल ऑफ दिस साउंड्स लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, आई हैव स्पोकन ऑन द सेम लाइंस फॉर जूली टू ऑल्सो लास्ट फ्राइडे, बट क्या करें, जब ऐसी फिल्म्स बैक टू बैक आती है जिसमें कोई कोहरेंस नहीं होती, यू आर बाउंड टू बी डिसअपॉइंटेड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद दिस फ्राइडे रिलीज, तेरा इंतजार। राज की बात बताता हूं, इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द फिल्म आई वॉज एक्चुअली कंफ्यूज कि कहीं रील्स एक्सचेंज तो नहीं हो गई हैं, कहीं क्लाइमेक्स की जो रील्स हैं वो शुरू में आ गई हैं, कहीं शायद प्री क्लाइमेक्स जो है वो पहले आ गया है, कहीं इंटरवल पॉइंट जो है वो शायद जा चुका है, शायद जो प्रिमाइस बिल्ड होना था वो होते होते रह गया है। आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज। आई इनफैक्ट इवन आस्क्ड द अटेंडेंट इन द थिएटर कि यार शो पहले तो नहीं शुरू हो गया था क्या, मैं लेट आया। आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग हियर। फर्स्ट 30 मिनट्स में इतना कुछ हो रहा है, सनी लियोनी अरबाज खान को ढूंढ रही है, फिर 3 रैंडम स्ट्रेंजर्स कहीं जंगल में भटक रहे हैं जहां पर एक सुपर नेचुरल आम आता है और उनको डरा देता है। मुझे लगा अच्छा सुपर नेचुरल के बारे में शायद फिल्म। उसके बाद सडनली दिखाया कि अरबाज खान और सनी लियोनी की तो लव स्टोरी शुरू हो गई है, सो फिर मेरे को समझ में आने लगा कि शायद ये फ्लैशबैक चल रहा है। फिर सडनली कहीं से सुधा चंद्रन आ जाती है, सॉर्सरेस है, वो सनी लियोनी को उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बताने लगती है। इतना कुछ हो रहा होता है और बीच में एक मर्डर भी हो जाता है, पेंटिंग्स अपने आप बनने लग जाती है, कहीं कुछ स्कीम्स होने लग जाती है, लव स्टोरी अपने आप शुरू हो जाती है, गाने आने लगते हैं, सब कुछ पहले 30-40 मिनट में हो रहा है। सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही फास्ट पेस्ड फिल्म होगी, बट द प्रॉब्लम इज कि इनकोहेरेंट है। एक सीन से दूसरा सीन कैसे जुड़ता है, कैसे खत्म होता है, यू डोंट इवन गेट टू नो। फिर कहीं ना कहीं आप परिस्थिति के साथ समझौता कर लेते हैं एंड देन यू मूव टूवर्ड्स द इंटरवल पॉइंट। वहां तक आते आते ऑफकोर्स यू नो दैट दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सो मच सो दैट इन द सेकंड हाफ इवन व्हेन द ट्विस्ट कम्स, दिस इज वन ऑफ दोस थ्रिलर केसेस व्हेन यू एक्चुअली स्टॉप केयरिंग। व्हाट यू एक्चुअली केयर अबाउट इज द फैक्ट कि, एंड दिस इज एन ऑनेस्ट स्टेटमेंट, सनी लियोनी हैज एटलीस्ट ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी हैज बीन डूइंग ऑल दिस वाइल। शी हैड ट्राइड समथिंग लाइक दिस इन एक पहेली लीला एज वेल, वो एक अच्छी फिल्म थी, मुझे काफी अच्छी लगी थी। दैट अगेन हैड अ सुपरनैचुरल एंगल टू दैट एंड दो इट हैड द सनी लियोनी एलिमेंट्स टू इट, बट देन इट डिड हैव अ डेफिनेट प्लॉट टू दैट एज वेल। हियर ऑल्सो इन तेरा इंतजार, सनी लियोनी इज इनफैक्ट ट्राइंग टू गो अवे, गेट अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ इमेज दैट हैज बीन बिल्ट अराउंड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। बट देन अगर आपका प्लॉट लाइन वीक हो, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग वीक हो, आपका इनकोहरेंस आ जाए, तो इवन समवन लाइक अरबाज खान हु हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अबाउट 25 ईयर्स नाउ, इवन ही गेट्स अ लिटल लॉस्ट। ही ट्राइज, ही डज हैव अ स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ कोर्स, दैट्स द रीजन व्हाई ही हैज बीन देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, ही हैज बीन डूइंग वेल इन सर्टेन फिल्म्स टू, बट यहां पर मेन लीड है एंड इवन एंड इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर मीटी रोल भी है। बट देन अगर आपका डायरेक्टर, आपका स्टोरी टेलर, आपके जो स्टोरी राइटिंग, आपका स्क्रीन प्ले, अगर ये सब कुछ वीक हो एंड देन प्रोडक्शन वैल्यूज आर ऑल्सो पैची, यस लोकेशंस आर नाइस बट बियॉन्ड दैट दे आर पैची, सो आप कुछ नहीं कर सकते। सॉन्ग्स आते हैं बीच में, अच्छे लगते हैं, यू डू लाइक द म्यूजिक, बट देन जिस तरीके से आते हैं, द वे दे फिट इन, द वे द पिक्चराइजेशन इज सो एवरेज, अगेन यू एंड अप लूजिंग इंटरेस्ट। सो ऑल सेड एंड डन, तेरा इंतजार टर्न्स आउट टू बी अ फिल्म विच इज अ 1 week अफेयर एट मैक्स, वो आएगी, 1 week में चली जाएगी, द ओपनिंग इन एनी केस हैजंट बीन देयर, कुछ सस्टेनिंग पावर भी नहीं लग रही है, इट्स अ डिसअपॉइंटिंग फिल्म, मजा नहीं आया। ऑल इन ऑल माय रेटिंग फॉर द फिल्म इज 1 star। दिस इज जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक, देसी मार्टिनी।